क्या केकेआर इस बार तैयार है? फाइनली हमको ये 10 साल के बाद आईपीएल खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार में अगर केकेआर को कहूँ क्या गलत होगा, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि केकेआर की टीम बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रही है इस समय, क्योंकि नीलामी में भी इसने ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी, और पहले से खिलाड़ी इसमें धांसु खिलाड़ी हैं इसमें, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जो है अच्छा करेगी। तो देखते हैं, पहले स्क्वाड देख लेते हैं कैसा स्क्वाड है इसका। तो चलिए लिस्ट देख लीजिए आप। श्रेयस अय्यर जो कप्तान है ये कंफर्म हो चुका है, श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे इस बार। नीतीश राणा हो गए, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुलबाज, सुनील नरेन, जसन रॉय, सूर्य शर्मा, तो इस तरीके से ये 10 प्लेयर्स की पहली लिस्ट है। और दूसरी लिस्ट की बात करूँ तो अनुकूल रॉय हो गए, आंद्रे रसल हो गए, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अलोड़ा, वरुण चक्रवर्ती। तो वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया है इन्होंने। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा नाम यानी न्यू बाई में हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा खरीदार जो है कौन मिला है इनको, तो सबसे बड़ा मिला है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के रूप में एक बहुत बड़ा बॉलर मिल चुका है। इस खिलाड़ी के पीछे 24.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 24.5 करोड़ रुपए इस खिलाड़ी के लिए खर्च कर दिए, और मुझे लगता है कि सही भी मिल गए एक्चुअली, क्योंकि हालांकि ये बात अलग है कि प्रेशर बहुत होने वाला है मिचेल स्टार्क पे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम आपको मिल रही है तो आपके माइंड में वो चलती रहती है कि मैं 25 करोड़ का इंसान हूँ तो 25 करोड़ में कैसा परफॉर्म करूँगा मैं, ये दिमाग में चलता है। और इतनी सारी पब्लिक होती है जो टीम को सपोर्ट करती है और फिर वो हारना पसंद नहीं करती, आप अगर पिटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी बेइज्जती सी होती है, तो ये जो इस चीज़ से कैसे बचेंगे स्टार्क ये समझ में मुझे नहीं आता, लेकिन ये उनको खुद को सोचना पड़ेगा। एंकरेक्स रघुवंशी हो गए, के एस भरत भी अच्छे बल्लेबाज हैं, इनकी विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, रमनदीप सिंह हो गए, चेतनंद साकरिया जो कि अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं और अच्छे स्लो बॉल डालते हैं वो, सरफन रदरफोर्ड हो गए, मुजीब रहमान, मनीष पांडे को फिर से ले लिया इन्होंने, और ये एक मिस कहूँगा स्मार्ट मूव भी मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मनीष पांडे की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अगर मनीष पांडे ने अच्छा परफॉर्म कर दिया अपने नाम के थोड़ा सा अभी दोगुना कर दिया अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये मनीष पांडे की जो पिक इन्होंने किया है ये बेहतरीन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मनीष पांडे कुछ करके दिखाएंगे इस बार। गस एटकिंसन हो गए और शाकिब हुसैन हो गए। तो इस तरीके से आपने केकेआर का पूरा स्क्वाड देखा, इसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो मिचेल स्टार्क था जो 24.5 करोड़ रुपए में उनको खरीदा है केकेआर ने। गौतम गंभीर ने भरोसा जताया है स्टार्क पे, तो अब देखते हैं स्टार्क इसका कैसा आंसर देते हैं, क्या वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर जो आईपीएल के जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये देखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।